नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कैपिटल टीवी बिहार। देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। बिहार के भाजपा विधायक नीरज कुमार बबलू अपने विवादित बयान की वजह से एक बार फिर से सुर्खियों में है। सहरसा में भाजपा विधायक नीरज कुमार बबलू ने विवादित बयान दिया है, राहुल गांधी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने के दौरान टोपी नहीं पहनने पर राहुल को आड़े हाथों लिया और एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर बवाल मचना है। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि कांग्रेसियों को भारत के नियम कानून और संविधान से कोई मतलब नहीं है। क्या कुछ खास है, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के भाजपा विधायक नीरज कुमार बबलू अपने विवादित बयान की वजह से काफी सुर्खियों में रहते हैं। इसी तरह से कुछ नए अंदाज में इस बार फिर से नीरज कुमार ने राहुल गांधी को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान टोपी ना लगाने की वजह से राहुल को आड़े हाथ लिया है। दरअसल कैपिटल टीवी के संवाददाता ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सवाल किया था। नीरज कुमार बबलू ने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि कश्मीर में बिना टोपी लगाए उन्होंने झंडा फहराया है, यह बिल्कुल ही गलत है। भले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन होने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन पर जुबानी हमले थमते नजर नहीं आ रहे। बिहार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने उन पर तीखा हमला बोला है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीरज कुमार ने कहा कि कांग्रेस भले ही बार बार संविधान की दुहाई देते रहे, लेकिन सच तो यह है कि ये लोग खुद ही नियम कानून और संविधान को नहीं मानते हैं। इसका स्पष्ट प्रमाण दिखा रविवार को कश्मीर में, जहां राहुल गांधी ने बिना सिर पर टोपी लगाए लाल चौक पर तिरंगा फहरा दिया, जो कि संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। सहरसा में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री नीरज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता जिस तरह के काम करते हैं उससे प्रतीत होता है कि ये लोग अंग्रेज के औलाद हैं। उन्होंने कहा कि कभी राहुल गांधी आलू से सोना निकालते हैं तो कभी पार्लियामेंट में आंख मारते हैं और कभी जाकर लाल चौक पर बिना टोपी के झंडा फहराते हैं, जो कि नियम में नहीं है। उनके इन हरकतों से बड़ा दुखद क्या हो सकता है, कांग्रेस के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। भाजपा नेता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देखिए ये अंग्रेजी हैं, अंग्रेज का यही कल्चर चलता रहता है, इनका अपना नियम कानून चलता है, इनको देश के नियम कानून और संविधान से कोई मतलब नहीं है। उंगली उठाते हैं कि संविधान में बदलाव किया जाना चाहिए और खुद को नहीं देखते। ये लोग जिस तरह के काम करते हैं इससे साफ साफ दिखता है कि ये अंग्रेज के ही औलाद है। भाजपा नेता ने राहुल गांधी को लेकर आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी जी कभी आलू से सोना निकालते हैं तो कभी पार्लियामेंट में आंख मारते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता देश के संविधान को नहीं मानते हैं, उन्हें नियम कानून से कोई मतलब नहीं है। देखना यह दिलचस्प होगा कि पूर्व मंत्री नीरज बबलू के बयानों के बाद कांग्रेस का क्या पलटवार होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। नमस्कार।